नमस्कार, मैं वीपी शर्मा, क्लास टेंथ, लेसन फर्स्ट, द इंचेंटेड फूल, रिटेन बाय श्री राजगोपालाचारी के अध्ययन सामग्री के साथ आइए इस पाठ का अध्ययन करते हैं। इस पाठ का सारांश यह है कि यह पाठ महाभारत के अज्ञातवास सोपान से लिया गया है, जिसमें पांडवों के अंतिम समय की प्रतीक्षा समाप्त हो रही है और युधिष्ठिर की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता की परीक्षा लेने के लिए मौत के देवता यम ने यक्ष का रूप धारण करके एक जादुई तालाब का निर्माण किया है, जहां पांडवों के पहुंचने पर उनकी बातों का अनसुना करने पर दंडित करते हैं और अंत में युधिष्ठिर पहुंचते हैं और उनसे क्वेश्चन एयर करने के बाद उनके भाइयों को पुनर्जीवित करते हैं। आइए इन तथ्यों का अध्ययन करते हैं। इसमें तमाम क्वेश्चन एयर हैं जो जीवन के प्रत्येक पहलू में बड़े ही महत्वपूर्ण है। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंग्जाइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर अपने भाइयों की चिंता और प्यास से प्रतीक्षा किए। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स। क्या वे किसी अभिशाप के शिकार हो सकते हैं। आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। या अब भी वे जंगल में पानी की तलाश में घूम रहे हो सकते हैं। कैन दे हैव फेंटेड। क्या वे मूर्छित हो सकते हैं। आर डाइड ऑफ थर्स्ट। या प्यास से मर सकते हैं। अनेबल टू बियर दिस थॉट्स एंड ड्रिवन बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट। इन विचारों को सहन करने में असमर्थ पाकर और अत्यधिक प्यास के कारण ही गिव अप वेटिंग। उन्होंने प्रतीक्षा करना छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड द पूल hoping that he might find them। इस आशा के साथ कि वह अपने भाइयों और तालाब की तलाश में निकल पड़े। युधिष्ठिर proceeded in the direction his brothers had taken and kept on walking through tracks full of wild deer and spotted deer and big forest birds till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clear water। प्रोसीडेड मीन्स आगे बढ़े। युधिष्ठिर उसी दिशा में चल दिए जिधर उनके भाई गए थे और तब तक चलते रहे जब तक कि वह एक स्वच्छ जल धारा के चारों तरफ हरे भरे घास के मैदान तक नहीं पहुंच गए। बट वेन ही सॉ हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स। जब उन्होंने अपने भाइयों को वहां झंडे के डंडे के समान पड़ा हुआ देखा। Unable to restrain his grief, अपने दुख को सहन नहीं कर सके। He lifted his voice and wept, और रोने लगे। He touched the faces of Bhim and Arjun as they lay so still and silent and mourned। वह अपने भाई भीम और अर्जुन के चेहरे को स्पर्श किए जो अब भी शांत पड़े हुए थे और विलाप करने लगे। Was this to be the end of all our vows? क्या हमारी प्रतिज्ञाओं का अंत ऐसा ही है। जस्ट वेन अवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड। जब हमारा वनवास समाप्त होने वाला है। यू हैव बीन टेकन अवे। और आपको हमसे छीन लिया गया। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माय मिसफॉर्चून। मिसफॉर्चून मीन्स मुसीबत, विपत्ति। फॉरसेकन मीन्स बेसहारा छोड़ देना। यहाँ तक कि देवताओं ने भी मुझे इस मुसीबत में बेसहारा छोड़ दिया है। As he looked at their mighty limbs, now so helpless, जैसे ही उन्होंने उनके शक्तिशाली अंगों को देखा जो बड़े असहाय थे, he sadly wondered who could have been powerful enough to kill them। और दुखी पूर्वक आश्चर्य किए कि कौन इतना शक्तिशाली था जो उनकी हत्या कर सकता था। Then he too descended into the pool, drawn to the water by an overpowering thirst, अत्यधिक प्यास से व्याकुल होकर तब वह भी तालाब में नीचे उतरे। एट वंस रिवाइज्ड विदाउट फॉर वार्न। और तुरंत शरीरहीन आवाज ने उन्हें चेतावनी दी। योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माय वर्ड्स। हीड मींस ध्यान देना। तुम्हारे भाई मरे क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस। वे मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बगैर पानी पीने का प्रयास किए। डोंट फॉलो देम। उनका अनुकरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो फिर प्यास बुझाना। दिस पूल बिलोंग्स टू मी। यह तालाब मेरा है।
It did not take Yudhishthira a moment to understand that this could be none other than the words of Ayaksh and guessed what had happened to his brothers. यह युधिष्ठिर को समझने में एक पल भी नहीं लगा कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ था, या कोई और नहीं बल्कि यक्ष के शब्द हो सकते थे। It took him no time to see a possible way of bringing them back to life। उन्हें अपने भाइयों को पुनः जीवित करने को सोचने में भी एक पल नहीं लगा। He said to the bodiless voice, उन्होंने शरीरहीन आवाज से कहा, Please ask your question, कृपया अपने प्रश्न पूछिए। The voice put questions rapidly one after another. आवाज एक के बाद एक शीघ्रता से प्रश्न पूछी. What rescues man in danger? खतरे में मनुष्य की रक्षा कौन करता है? करे साहस. By the study of which science does man become wise? किस विज्ञान के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान बनता है? Not by studying any source does man become wise. युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि किसी शास्त्र के अध्ययन के द्वारा बुद्धिमान मनुष्य नहीं होता है। इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। वह केवल बुद्धिमान लोगों की संगति में बुद्धिमत्ता प्राप्त करता है। द यक्ष व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, यक्ष ने पूछा, हवा से भी तेज क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, माइंड, मन। व्हाट इज मोर फेटेड देन ए ड्राइड स्ट्रॉ, सूखे हुए तिनके से भी मुरझाया हुआ क्या है? अ सारो स्ट्रेकन हार्ट, दुख से पीड़ित हृदय। व्हाट बी फ्रेंड्स अ ट्रेवलर, यात्रा में यात्री का मित्र कौन होता है? लर्निंग, ज्ञान। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, घर पे रुके हुए व्यक्ति का मित्र कौन होता है? द वाइफ, उसकी धर्म पत्नी। हु एकंपनीज अ मैन इन डेथ, मौत में मनुष्य के साथ क्या होता है? मरने के बाद मनुष्य के साथ कौन होता है? धर्म। दैट अलोन एकंपनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि धर्म मरने के बाद अंतरात्मा की एकाकी यात्रा में उसका धर्म ही उसका साथ देती है। विच इज द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा पात्र क्या है? द अर्थ। विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट वेसल, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि पृथ्वी, जो अपने आप में सभी चीजों को समाहित किए हुए है, सबसे बड़ा पात्र है। व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है? हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, बेहतर आचरण का परिणाम ही प्रसन्नता है। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप व्हिच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, वो क्या चीज है जिसके त्यागने से मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है? प्राइड, घमंड, गर्व, अहंकार। For if man gives up being proud, he will be loved by all. क्यों? कि मनुष्य यदि अहंकारी होना छोड़ दे तो वह सबका प्रिय हो जाएगा। What is the loss which ills joy and not sorrow? वह कौन सा नुकसान है जिसके खोने पर मनुष्य प्रसन्न होता है, दुखी नहीं? Anger, क्रोध। If we give up being angry, we will no longer be subject to sorrow. यदि हम नाराज होना छोड़ दें तो हम लंबे समय तक दुखी नहीं होंगे। What makes one a real Brahman? वास्तविक ब्राह्मण क्या बनाती है? Is it birth, good conduct or learning? जन्म, अच्छा आचरण या ज्ञान? Answer decisively, निर्णायक उत्तर दो। Birth and learning don't make one a Brahman. जन्म और ज्ञान से कोई ब्राह्मण नहीं होता है। Good conduct alone does. केवल अच्छे आचरण के द्वारा ही वो ब्राह्मण होता है। However, learned a person may be, कुल मिलाकर एक व्यक्ति विद्वान हो सकता है। He will not be a Brahman without giving up bad habits. बुरे आचरणों को त्यागने के बगैर वह एक ब्राह्मण नहीं होगा। Even though he may be learned in the four Vedas, यद्यपि वह चार वेदों का ज्ञाता हो सकता है, a man of bad conduct falls to a lower class. बुरे आचरण वाला व्यक्ति निम्न श्रेणी का व्यक्ति होता है। What is the greatest wonder in the world? संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? Every day man sees creatures depart to Yama's kingdom and yet those who remain want to live forever. प्रत्येक दिन मनुष्य प्राणियों को मौत के देवता यम के राज्य में जाते हुए देखता है, फिर भी जो इस संसार में जीवित हैं वो लंबा जीवन जीने की इच्छा करते हैं। This truly is the greatest wonder.
वास्तव में यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। Thus the yaksha put many questions and Yudhishthir answered them all. तब युधिष्ठिर ने तमाम प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने उनका उत्तर दिया। In the end, the yaksha, अंत में यक्ष ने पूछा, ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव, ऐ राजा, आपके मरे हुए भाइयों में से एक पुनर्जीवित हो सकता है। हु डू यू वॉन्ट टू कम बैक टू लाइफ, आप किसे जीवन दान दिलाना चाहते हैं। इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक एंड देन ही विश्ड दैट द क्लाउड कम्प्लेक्शन लोटस आईड ब्रॉड चेस्टेड एंड लॉन्ग और नकुल लाइंग लाइक ए फॉलन इबोनी ट्री माइट राइज। यह सोचने में युधिष्ठिर को एक पल भी नहीं लगा और उन्होंने इच्छा किया कि मेघ वर्ण कमल जैसे नयनों वाले चौड़े बक्षस्थल बड़ी बड़ी भुजाओं वाले और आबनूष की पेड़ की तरह गिरे हुए नकुल को जीवित कर दें। यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, यक्ष इससे बड़ा प्रसन्न हुआ और युधिष्ठिर से पूछा, व्हाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम, आपने भीम की अपेक्षा नकुल का चयन क्यों किया। हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, जिनमें 16,000 हाथियों की शक्ति। आई हैव हर्ड दैट भीम इज मोस्ट डियर टू यू, मैंने तो सुना है कि भीम आपके बड़े प्रिय हैं। एंड वाई नॉट अर्जुन हुज स्ट्रेंथ एनॉर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, और अर्जुन क्यों नहीं, जिनकी शक्ति जिनकी भुजाओं की शक्ति में आपकी सुरक्षा है। टेल मी व्हाई यू चूज नकुल रदर देन आइदर ऑफ दीज टू ब्रदर, मुझे आप बताइए कि इन दो भाइयों की अपेक्षा आपने नकुल का चयन क्यों किया। युधिष्ठिर रिप्लाई, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, धर्म इज दी ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीम और अर्जुन, ए यक्ष, मनुष्य की ढाल उसका धर्म होती है भीम और अर्जुन नहीं। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म को छोड़ दिया जाए, मैन विल बी रुइन, मनुष्य बर्बाद हो जाएगा नष्ट हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर दी टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां हैं। आई एम अलाइव अ सन ऑफ कुंती, कुंती का एक पुत्र मैं जीवित हूँ। एंड सो सी इज नॉट कम्प्लीटली वेरी, इसलिए वह पूरी तरह पुत्रों से वंचित नहीं है। इन ऑर्डर दैट दी स्केल्स ऑफ जस्टिस मे बी इवन, और न्याय की तराजू के पलड़े बराबर होने के लिए बराबर हो सकते हैं। आई आस्क दैट माद्री सन, इसलिए मैंने माद्री के पुत्र को पुनर्जीवित करने के लिए कहा, नकुल मेरी वाइफ, नकुल जीवित हो सकते हैं। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज विथ युधिष्ठिर्स इम्पार्शियलिटी, यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता से बड़े प्रसन्न थे। एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, और उन्होंने युधिष्ठिर के सभी भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया, जिला दिया।